नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आटा चक्की बिजनेस का कड़वा सच। बहुत यूट्यूब पर बोलते हैं आके इतना पैसा कमाओ उतना पैसा कमाओ, पर कभी ये लेवल बिगड़ जाए तो एक बार उनको फ़ोन करके पूछ लेने का कि आज लेवल बिगड़ गया है, आटा सही नहीं आ रहा है तो कैसे सेटिंग करें, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। तो उनको उस बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होती है। और क्या है कि का बिगड़ जाए, चक्की का लेवल बिगड़ जाता है और तो फिर कभी भी क्वालिटी सही नहीं आती है। और उसके लिए क्या, ग्राहक बहुत बार टूट जाते हैं। एक बार जो ग्राहक टूट गया वो टूट गया, दोबारा कभी नहीं आता है। मान लो आपकी गांव में है चक्की, तो आपके यहाँ पे एक ही ऑप्शन, एक ही चक्की है, तो ग्राहक के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और यही आपकी चक्की कहीं शहर विस्तार में या सिटी में है, तो जहाँ आजू बाजू ज़्यादा चक्की है, तो ग्राहक क्या एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाता है और दोबारा फिर कभी नहीं आता है। और दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि तबीयत के लेके, क्योंकि इतने साल से मैंने देखा है कि जो भी चक्की चलाता है उनकी चक्की दुकान के अंदर होती है, और आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे दोनों चक्की एकदम बाहर है दुकान से। ये वाली भी बाहर है मकई वाली, और ये गेहूं वाली भी बाहर है। ये दुकान से कम 4 फुट बाहर है। ये देख लो, इतनी पूरी मैंने टायर की मदद से बाहर निकाली हुई है। ये इसका ये फ़ायदा रहता है कि जो भी आटा उठता है ना वो तुरंत ही बाहर चला जाता है, और इस साइड से कूलर चालू होता है, इधर साइड से चालू रहता है, तो जैसे भी जो आटा उठता है ना वो तुरंत बाहर की साइड भी रहता है, अंदर दुकान के अंदर नहीं जाता है। और तीसरा मैंने क्या है, ब्लोअर लगा रखा है, जो आप 90% आटे को तो इसे भी कंट्रोल कर लेता है, और जो थोड़ा बहुत उठता है वो कूलर की मदद से बाहर ही चला जाता है। क्योंकि रेगुलर अपन चक्की चलाते हैं, देख रहे हैं फ़ायदा हो रहा है, हो रहा है बराबर, पर आगे जाके क्या होता है कि तबीयत ख़राब, सांस चलने की बहुत तकलीफ़ हो जाती है बहुत लोगों को। या आप देख लेना कि ज़्यादातर जो चक्की चलाते हैं उनको सांस की तकलीफ़ होती है। इसके लिए अपने को सबसे पहले तो ब्लोअर की व्यवस्था करनी है, और दूसरा है कि अपनी चक्की को, जैसे देखो मेरे तो अभी सेटिंग है जो मैंने बाहर निकाल रखी है, मान लो किसी की सेटिंग नहीं हो दुकान के अंदर ही हो, तो ऐसी जगह चक्की लगाएं जहाँ खिड़की हो, आटा कम उड़ता हो, और आप नहीं ये कर सके तो मास्क अवश्य पहन के रखें। बस यही जानकारी देने के लिए। और आपको कुछ ऐसी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँगा।